आज दो दिन पहले ही एलजी साहब ने एक इनॉग्रेशन करी जो ऑनलाइन इनॉग्रेशन थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आईसीयू बन रहा है, पीडियाट्रिक आईसीयू बन रहा है, पीडियाट्रिक बेड्स यानी कि चिल्ड्रन जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आईसीयूज बनेंगे, उनके लिए पीडियाट्रिक वार्ड्स बनेंगे, हाई डिपेंडेंसी गायनी वार्ड्स बनेंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन एडिशन टू दीज आईसीयू फैसिलिटीज हमने आपने देखा कि ऑक्सीजन जो फैसिलिटीज है ऑलरेडी है। और ये यहाँ ही नहीं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ श्रीनगर नहीं बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे जम्मू या कश्मीर जहाँ भी है, तो आपने वो इनॉग्रेशन देखा होगा। उससे क्या चेंज आएगी कि एक टर्शरी लेवल, जो टर्शरी लेवल का ट्रीटमेंट है ये डोर स्टेप पे मिलेगा, यानी कि कुपवाड़ा वाले को कुपवाड़ा में मिलेगा, हंदवाड़े वाले को हंदवाड़े में मिलेगा, कोई कुलग्राम से है शुपया से तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सॉर्ट ऑफ टर्शरी लेवल केयर मिलेगा। और विद इन 1-2 मंथ्स ये हमारा सारा पूरा सिस्टम जो है वो ऑन रेल आएगा, पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यही एक बड़ा चेंज है जो हर एक लेवल पे आएगा। सर व्हाट अबाउट द स्कूल स्कूल फॉर रे सर, आपने मास वैक्सीनेशन का ये इनाकात किया था, इनाकात हुआ था, व्हाट इज द स्टेटस अबाउट दैट सर? देखिए हमारा जो 18 प्लस हो गया, आपने देखा कि करोड़ों में हो गया, वैक्सीनेशन अच्छी रही। और हमारा एक जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि मीडिया के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपकी वसादत से, आपकी जो हमारी बात लोगों तक पहुंचा दी, वो जो मिथ्स थे, रूमर्स थे अबाउट वैक्सीनेशन, वो दूर हो गए। और हमारे जो बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 15-17 एज ग्रुप लेस देन 18, उसमें हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आया। इवन इसमें भी जो मोर देन 60 विथ को मॉर्बिडिटी, वैक्सीनेशन पूरी होगी और हमारे लोग अभी भी कर रहे हैं वैक्सीनेशन से ही। ये जो तीसरा वेव है जल्द, बहुत जल्द खत्म हो गया। और जो हमने स्कूल का डिसीजन लिया एलजी गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने जो डिसीजन लिया कि हम स्कूल को खोल रहे हैं, लेकिन हमने उनको जो एसओपीज दी है हर एक जगह से, यानी कि घर से जब बच्चा निकलेगा वो उस बस में, मेटाडोर में, गाड़ी में जाएगा तो वहां भी एसओपीज मेंटेन होंगी। जब ही वो स्कूल पहुंचेगा तो वहां बाहर ही उसको देखा जाएगा कि इसने मास्क पूरी तरह से पहना है, प्रॉपरली पहना है, वो भी बहुत जरूरी है। और उसको वहां थर्मल जो स्कैनिंग होगी वो भी होगी, कहीं अगर हमें लगा गेट पे ही, एंट्री पे ही लगा कोई फिब्राइल बच्चा या कोई और प्रॉब्लम है, उसको घर वापस सही सलामत भेज दिया। उसके बाद जो ही एंट्री होगी तो हमने उनको ये डायरेक्शन दिया है कि अगर कभी आप समझे कि 80 स्टूडेंट्स एक क्लास में रहते थे, वहाँ सोशल डिस्टेंस पूरी तरह मेंटेन रहेगी, वहाँ 80 के बजाय 40 ही रहेंगे। और सैनिटाइजर्स, सफाई का जो पूरा इंतजाम वहाँ रहेगा, बाकी उनका बिल्कुल तालमेल रहेगा हमारे जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे जो वहाँ इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके साथ टाइप भी हुआ है। और रैंडमली एक टेस्टिंग भी वहाँ होगी, अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव निकला उसको पूरा इलाज किया जाएगा, घर आइसोलेशन में भेजा जाएगा। हम रेडी है, गवर्नमेंट रेडी है, स्कूल डायरेक्टरेट रेडी है और हम भी रेडी है। इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सर क्या मैसेज होगा? सेकंड स्टेज आपका वो नीचे केसेस फिर हमने छोड़ दिया, एहतियात करना, एहतियात जारी रखें। वैक्सीनेशन अगर किसी ने नहीं किया, मेहरबानी करके वैक्सीन करें, वैक्सीन ही हमें बचा सकता है। उसके बाद एसओपीज को मेंटेन करें, खासकर अगर आप स्कूल खुल रहे हैं और जहां भी कोई गैदरिंग होगी कहीं पे भी, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग कहीं पे होगी, कुछ भी होगा, वहां जरूरी ये जो एसओपीज को मेंटेन करना है। यही गुजारिश रही, वैक्सीन ले ले, एसओपीज को ध्यान में रखे और इंशाल्लाह हम इस वबा से निकलेंगे और निकल भी गए। सर आज जो यहाँ पे फंक्शन है इसके हवाले से थोड़ा सा, हाँ, ये जडीबल जोन है हमारे।